नमस्कार दोस्तों, ठेकेदार बंधुओं, मैं आपको कुछ ऐसी बिजनेस टिप्स देना चाहता हूं जिन बिजनेस टिप्स से आप अपने बहुत सी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आपको यही देखना जरूरी नहीं है कि कौन कौन लोग हमारे आगे हैं और कौन कौन लोग पीछे हैं, यानी ठेकेदारी में आपसे बड़े ठेकेदार कौन हैं, आपसे छोटे ठेकेदार कौन हैं, ये देखना ही जरूरी नहीं होता है। आपको देखना ये जरूरी होता है कि कौन ठेकेदार मेरे साथ में है और किस ठेकेदार के साथ में मैं हूँ। यदि आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो आप जिंदगी में तरक्की करते जाएंगे। देखिए सज्जनों, हाथ की लकीरें, ये जो लकीरें हैं ना, ये मुट्ठी में जरूर हैं मगर कम वक्त काबू में नहीं रहती हैं। ये हाथ की लकीरें जो आप कहते हो ना लोगों से, ये तो मेरे भाग्य में लिखा था, ये मेरी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, ये मुट्ठी में जरूर है, आपके पास में है मगर ये काबू में नहीं है। वक्त बदलते देर नहीं लगता, और कौन से वक्त कौन आदमी किस वक्त काम में आ जाए ठेकेदारी में, ये आपको अभी तक भी पता नहीं है और पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि ठेकेदारी में वक्त बदलता रहता है, साइट्स बदलती रहती हैं, और जिन लोगों को आप अपने नज़दीक समझते हैं वो लोग आपसे वक्त पड़ने पर बहुत दूर मिलेंगे। सज्जनों, मैं कहना चाहूँगा जो हृदय से दिया जा सकता है, हार्टली आप किसी को कोई दे सकते हैं, वो हाथ से नहीं दे सकते। दिल से आप किसी के साथ जुड़िए, और जो मौन रहकर, कई बार अपने अफसर अधिकारी अपने को डांट देते हैं, बुरी तरह से डांटते हैं, मुझे तो यहाँ तक एक अधिकारी ने कहा गेट आउट माई ऑफिस। ध्यान से सुनिए आप, कारण क्या था, बरसात का टाइम था, शाम को 4 बज रहे थे, बूंदाबांदी हो रही थी, अधिकारी घर पे बैठे थे, ऑफिस में आने की स्थिति में नहीं थे, तबीयत खराब थी, मगर तबीयत खराब होने के साथ साथ जिनको पीने की आदत हो जाती है वो उस तरह के व्यवहार किए बिना नहीं रहते, और मैं जो ही उन्होंने उनके घर पे गया, बंगले पे गया और घंटी दबाई तो उन्होंने कहा यस कम इन, और मैं अंदर जो ही दाखिल हुआ तो देखता हूँ एक छोटी सी टेबल के ऊपर उन्होंने इतनी बोतलें सजा रखी थी शराब की जो मैंने मेरी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, यानी बड़ी बड़ी बोतलें जिनको नीचे से गड़बड़ वो हांडा चौड़ा और ऊपर से सकड़ी नाली की ऐसी ऐसी बोतलें सजा रखी थी। उन्होंने कहा आओ आओ शर्मा आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा सर बोलिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। बोले मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा सर मैं तो पंडित आदमी हूँ। अरे मैं भी तो गुप्ता हूँ, आजकल सब चलता है। मैंने कहा हाँ साहब हो सकता है आपके यहाँ सब चलता हो, हमारे यहाँ तो इसका नाम लेना भी बुरा है। तो बोले चलो ऐसा करते हैं काजू तले हुए काजू, अरे छोरे इधर आ। तो छोरे को बुलाया, बोले शर्मा जी को एक प्लेट काजू ला के दे, वो तले हुए काजू अपने साथ उसके साथ में कुछ ले रहे होंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो इस माहौल में नहीं खा सकता। बोले क्यों? मैंने कहा बदबू फैल रही है, मैं तो यहाँ बैठ भी नहीं सकता। उन्होंने कहा चल गेट आउट, मुझे पूरी तरह से डांट के काटा निकाला। और दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में उनसे मिला तो वो नॉर्मल थे, शर्मा जी यार कल गलती हो गई, मैंने तुम्हें कुछ कह दिया, चलो मुझे माफ़ कर देना, मैं बड़ी उम्र का हूँ, क्योंकि उस समय मैं छोटी उम्र का था उनसे, वो मैं लगभग 30 साल की एज में था और वो कम से कम 50 साल पार थे, तो मैंने ऐसा कुछ कह दिया आपको, आप बुरा मत मानना। मैंने कहा सर बुरा तो तब मानते हैं ना जब आप सादे हों, यानी शराब पिए हुए जब नहीं हो तब आप कुछ कहें तब बुरा मानता हूँ, बुरा मैं उस वक्त नहीं मानता जब आपको खुद को ही पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शराब पीने के बाद में आदमी नशे के वशीभूत हो जाता है, और नशा करने के बाद में ब्रेन को शून्य कर देता है। मेरे पिताजी कहा करते थे बेटे ये शौक कभी मत पालना, किसी भी स्थिति में इसको टच मत करना, और मैंने आज तक इस समय तक उस बात को निभाया है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा यदि आप भी इन बातों से वंचित रहते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये आपको ठेकेदारी सब्जेक्ट में, ठेकेदारी विषय में या ठेकेदारी बिजनेस में ये बातें लोगों को बहुत परेशान करती हैं। सजनों जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो, आनंद से जियो, आज को जियो। दोस्तों दोस्ती रखना, प्रेम रखना बहुत दुर्लभ है,
हर किसी को नहीं मिलता, इसे पकड़ कर रखो। और क्रोध बहुत खराब है, गुस्सा आपको आना ही नहीं चाहिए। यदि आपको ठेकेदारी करनी है तो गुस्सा आपके आसपास नहीं फटकना चाहिए, उसे दबा कर रखो। जितना दबा सकते हो आप गुस्से को, उतना दबा कर रहो रखो। और भय बहुत ही भयानक है, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। भय, टेरर आपको बिजनेस नहीं करने दे रहा, आपको वो ऊंचाइयां नहीं छूने दे रहा जो आपके साथी ठेकेदारों ने छुई है। क्योंकि टेरर है आपके, डर है कहीं लॉस लग जाएगा, कहीं घाटा खा लूंगा, कहीं क्या पता मुझसे इतना बड़ा काम होगा कि नहीं। ये भय है ना, ये भय आपको लेस डूबता है। और भय किसको होता है, भय किसका नाम है आपको पता है? भय नाम है अंधेरे का, भय नाम है अनजान का, भय नाम है अननोन का। जिसको आप जानते नहीं उसका नाम भय है, तो उससे क्या डरना है आपको? जिसको आपने जानते ही नहीं उससे डरने की क्या जरूरत है? तो इसको दबा करके रखिएगा, इसको उसका सामना करो। जब आप उसका सामना करेंगे तो भय निकल जाएगा। भय वो आंधी है जो आपको दूर से दिखती है, बहुत घनघोर आंधी आ रही है, मगर जब आपके अंदर से वो आंधी निकलती है, आपके आसपास से जब आंधी का झोंका निकल जाता है, तो आप कहते हैं अरे अरे कुछ नहीं था, ये तो खाली एक टेरर था, भय था। और लोगों, दोस्तों, स्मृतियां, पुरानी बातें, यादें, जिनके साथ आपने अच्छे पल गुजारे हैं, जिन अच्छे खट्टे मीठे पलों को आपने भुगता है, देखा है, भोगा है, उन पलों की स्मृतियां आप अपने पास में सजो कर रखिए। जैसे अलमारी में आप पुस्तकें सजाते हैं ना, वैसे ही ये आत्मीय पल अपने, चाहे ऑफिसेज के हों, सॉरी, आपके आत्मीय पल चाहे ऑफिसेज के हों, चाहे आपके साइट्स के हों, आपके मजदूरों के साथ में, आपके स्टाफ के साथ में आप खाना खाइए, पिकनिक मनाइए, वहाँ के फोटोज लीजिए और उन फोटोज को सजा करके रखिए आपके एल्बम में। ये स्मृतियाँ, ये यादाश्तियाँ, जिन अधिकारियों के साथ में आपने काम किया है साइट्स पे, उनके साथ में गलवियाँ लाट डालकर एक फोटो जरूर खिंचानी चाहिए आपको, जब आपका वर्क कंप्लीशन पे होता है। ये यादें आपको जीवन भर चिरस्थायी रहेंगी। और जब भी आप बूढ़े होंगे, मेरी उम्र में होंगे, जब मैं जेएन साहब थे उनके साथ में फोटो खिंचाई थी मैंने, वो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए थे दोस्तों, और एक नहीं दसों ऐसे चीफ इंजीनियर्स के नाम गिना सकता हूँ मैं, जो मेरी उम्र के आने के बाद में चीफ, मैं जब मैंने काम शुरू किया था उस समय वो जेएन थे, जूनियर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, या यूँ कह सकते हैं इंजीनियरिंग की सबसे नीची पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे थे। और रिटायरमेंट लिया तब उनसे मैं मिलने गया, तब वो फोटो मेरी जेब में डाल के गया था, और मैंने उनको कहा था सर इस आदमी को पहचानते हैं? और उन्होंने काजू से कहा अरे ये तो मेरी फोटो है। मैं देखो पहले उस समय कितना स्मार्ट था, कितना दुबला पतला था, आज तो देखो तोंद निकल रही है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। ये इस तरह की बातें करते हुए वो आपको, अपने बच्चों को मिलाते हैं फिर आपसे कि देखिए देखिए ये शर्मा जी मेरे कितने पुराने दोस्त हैं, देखो तुम इस फोटो को देखो। तो ये सारी बातें हैं, इन स्मृतियों को आप सजा करके रखिएगा। आशा है मैं आपको मेरे अनुभवों के साथ साझा कर रहा हूँ। यदि कहीं मुझसे कहीं कोई चूक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, और आपका एक कमेंट मुझे बड़ा मनोबल देता है, बड़ा मोटिवेशन देता है, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में कोताही मत बरतिएगा, और मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन, आप यदि एक सब्सक्राइब का अंगूठा दबाते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे आपका भला नहीं देश का भला होता है। क्योंकि ये चैनल जितनी दुनिया में फैलेगी उतना ही आपका, जो आप जिस वीडियो को पसंद करते हैं उस, वो वीडियो लोगों तक जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो वीडियो आपको पसंद है आपके दोस्तों को भी निश्चित रूप से पसंद आएगा। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना काल चल रहा है इसलिए अपना स्वयं का ख्याल रखिएगा, मास्क बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इस छोटी सी बात, मास्क ने करोड़ों जान बचाई हैं, इसलिए इसके प्रति सचेत रहिएगा। और अपने माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी यदि सौभाग्य से आपको प्राप्त हैं, तो उनकी सेवा करने में, उनको दवाइयां दिलाने में कहीं कोई
कमी और कसर मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पछतावा रह जाएगा आपके कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता। नमस्कार।